हाय, सो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो है रामा मेडिकल कॉलेज हापुड़। और डेफिनेटली मतलब तीनों जो हापुड़ के कॉलेज हैं उनमें तो ये बेस्ट है ही। लोकेशन की बात बताऊँ तो मैं बाबर कहता हूँ, जो दिल्ली हापुड़ रोड है, तो जब दिल्ली से आप चलेंगे सबसे पहले कॉलेज आता है राइट हैंड साइड पे। तो दिल्ली साइड तो राइट हैंड साइड पे आएगा, इसके बाद आया था जीएस मेडिकल कॉलेज, उसके बाद आया था सरस्वती। और ये आप समझ लीजिए यहाँ से तो गाजियाबाद है, ये नियरेस्ट है, लेकिन आप पीछे आप आएंगे लग रहा है बहुत अच्छी लोकेशन मिल गई वीडियो बनाने की हमें। तो देखिए एक्सिस बैंक का एटीएम है, बोर्ड है, और ये पता ही चला अंदर चक्कर काट के आए तो इट्स लाइक अ प्रॉपर हॉस्पिटल। तो ये एक जिसे हम कहते हैं ना कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ऐसा है, जो मैं बाबा कहता हूँ कि इंडिया में मेजोरिटी ये जो कॉलेजेस हैं इनके हॉस्पिटल ज़बरदस्ती खोले गए थे कॉलेज खोलने के लिए। बट इसको देख के मेरा एक फीडबैक ये है कि ये एक अस्पताल भी है और साथ में कॉलेज भी है, तो इट्स अ प्रॉपर रनिंग गुड हॉस्पिटल जहाँ पर सारी फैसिलिटी है, सब कुछ है। मतलब जो एक दिल्ली से तो खैर कंपेयर नहीं कर सकते, पर फिर भी जो दिल्ली में एक ठीक ठाक साइज का प्राइवेट हॉस्पिटल होता है ना, उस लेवल का हॉस्पिटल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस तरह मुझे केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा बहुत पसंद आया था, मैं बार बार रिपीट करता हूँ टॉप 6 को छोड़ के, वैसे मुझे रामा पसंद आया है। एंड डेफिनेटली रामा हापुड़ कैन बी इन द टॉप 20 ऑफ नॉर्थ इंडियन कॉलेजेस, टोटली डिजर्व करते हैं अपनी जगह टॉप 8 होने में। मुझे सरस्वती पे डाउट है कि वो टॉप 10 में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, चाहे पीजी चल रहा है, और मैंने तो कहा मुझे जीएसयू उससे बेटर लगा, लेकिन रामा तो परफेक्ट हो गया। तो मतलब यहाँ पर अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। डेफिनेटली देखिए जी, आप इसको अगर आप दिल्ली वाले सुन रहे हो तो गंगाराम या उस तरह के हॉस्पिटल से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप में एक ये बहुत चलता हुआ हॉस्पिटल है। आप पीछे बहुत सारे लोग भी बैठे नजर आ रहे होंगे, ये सब अस्पताल के मरीज हैं जो वेट कर रहे हैं, पीछे हॉस्पिटल है, तो इट्स अ रनिंग हॉस्पिटल, वेरी गुड ऑप्शन। तो रामा हापुड़ एक ऑप्शन ऐसी है जो आप नॉर्थ इंडिया के, साउथ इंडिया के जो भी हैं, जिस तरह मैंने केडी मथुरा की तारीफ करी थी, ये तारीफ के लायक है। और फिर से भाई शेरामूर्ति और शारदा और सुभारती तुम सबको मालूम ही है, मुजफ्फरनगर मेडिकल, रोहिलाखंड और हेरिटेज, और उसी कैटेगरी में ये भी अच्छा कॉलेज गिना जाएगा। मतलब आप काम नहीं चला रहे यहाँ पढ़ के, आई कैन सेफली से कि आपका बच्चा एक अच्छी नॉलेज लेगा, एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। लोकेशन, खाना पीना सब अच्छा है, दिल्ली पहुँचना बहुत आसान है, बिल्कुल दिल्ली हापुड़ की जो मेन रोड है ये पीछे साथ जाएंगे आपको हाईवे नज़र आ रहा है, बहुत 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 आसानी से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। और शुड आई से कि अक्सर हम कहते हैं कि हापुड़ में 3 कॉलेज हैं, बिल्कुल नहीं जी, इस कॉलेज को तो आप बिल्कुल डिफरेंट लीग में मानिए और टॉप की लीग में मानिए, जो मैं हरियाणा का आदेश हम बोलते हैं, एमएमयू गुलाना बोलते हैं, सुभारती शारदा बोलते हैं, MGM जयपुर बोलते हैं, इस कॉलेज को उस कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। राइट, बेस्ट विशेस फॉर योर MBBS इंडिया एडमिशंस। आप हमारा टोल फ्री नंबर जानते ही हैं, 9643362320, कॉल कीजिए और हम आपकी हेल्प करेंगे आपके ड्रीम कॉलेज में पहुंचने में। धन्यवाद, बाय बाय।